मौसमगंज इलाका भी अब राजधानी का 14वां हॉटस्पॉट बन गया है और डालीगंज के नर्सिंग होम में एक युवक कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिसके बाद आसपास के इलाके को सील कर दिया गया है। राजधानी लखनऊ में लगातार जो कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये डालीगंज का मौसमगंज इलाका है, जहाँ पे ये जो डालीगंज हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो एक स्वास्थ्य कर्मी है उसमें कोरोना संक्रमित पाया गया है, जिसके बाद उसको क्वारंटाइन कराया गया है। इसके अलावा तकरीबन ऐसे 17 लोग हैं जो इस हॉस्पिटल में काम कर रहे थे, उनको भी एहतियातन जो है क्वारंटाइन करा दिया गया है। उनकी जो जांच रिपोर्ट है उसका इंतजार जो है अब स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर टीम जो है कर रही है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे एक पूर्व पार्षद हैं, उनके पिताजी जो है वो एडमिट कराए गए थे और उनमें जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसका इलाज जो है इस हॉस्पिटल में हो रहा था। तो ऐसे में जो स्वास्थ्य कर्मी है उसके संपर्क में, यानी लगातार जो संपर्क में बने रहने से हॉस्पिटल के जो अन्य कर्मचारी है वो जहां संदिग्ध हो गए हैं, तो वहीं जो स्वास्थ्य कर्मी है युवक है उसमें भी जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके बाद इस पूरे इलाके को आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। सुबह से ही नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं और पुलिस कर्मी है वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। और ये वो इलाका है जो अब राजधानी का जो है 15 जो हॉटस्पॉट एरिया जो है घोषित कर दिया गया है। कैमरा पर्सन सोएब सातनु, भारत समाचार, लखनऊ। इस हॉस्पिटल में बताते हैं एडमिट हुआ था, उसको 3 दिन के बाद रिपोर्ट में आया तो पॉजिटिव मिला, उसको नेक्स्ट रेफर कर दिया गया, उसके बाद उसका डेथ हो चुका है और बाकी लोगों को क्वारंटाइन के अंतर्गत रखा गया और हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। और अब खबर मेरठ से है, जहां पर LLRM में